सब्सक्राइब कीजिए गोल अचीवर्स यूट्यूब चैनल को आपकी भर्ती की नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए और उसके साथ साथ फिजिकल के वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हो गोल अचीवर्स यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ कपिल तंवर, टीचर, करियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में। आप नर्सिंग असिस्टेंट के जवान किस प्रकार बन सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उनकी आयु, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, प्रमोशन, सारी जानकारी कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हमने काफी सारे वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड करके रखे हैं। यदि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना करियर इंडियन आर्मी बनाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियोस आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आपको आने वाले वीडियोस हमारे नए नए सारे आपको फ्री में प्रोवाइड होते रहेंगे। तो दोस्तों, इसलिए आपको सब्सक्राइब। फर्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के जवानों का काम क्या होता है इंडियन आर्मी। दोस्तों, इंडियन आर्मी के खुद के काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं, कैंट्स हैं, कैंप्स हैं, वहां पर इंडियन आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट के जवानों की नियुक्ति की जाती है। मींस वहां पर कार्य करने के लिए हमें हॉस्पिटल्स में कार्य करने के लिए हमें नर्सिंग असिस्टेंट के जवानों की नियुक्ति करनी पड़ती है। जैसे कि वो डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं। डॉक्टर को असिस्ट करने का मतलब ये है कि डॉक्टर के नीचे काम करते हैं, डॉक्टर उन्हें आज्ञा देते हैं, पालन करने का काम हमारे नर्सिंग असिस्टेंट के जवानों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, यदि कोई पेशेंट है तो उनकी केयर करना, उन्हें इंजेक्शन देना और मेडिकल स्टोर में काम करना, सारा काम हमारे नर्सिंग असिस्टेंट जवानों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, दूसरी हम बात करें, आप सभी के दिमाग में सवाल आता है कि नर्सिंग असिस्टेंट के जवान क्या जंग लड़ने जाते हैं। दोस्तों, सभी को जंग लड़ने जाना पड़ता है, चाहे टेक्निकल के जवान हो या क्लर्क या जीडी ट्रीटमेंट, सभी के जवानों को जंग लड़ने के लिए जाना पड़ता है। सभी को गन हाथ में लेनी पड़ती है और गन चलानी पड़ती है। जब जंग के दौरान नर्सिंग असिस्टेंट के जवानों का काम क्या होता है, यदि कोई घायल हो जाता है जवान, उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड करने का काम हमारे नर्सिंग असिस्टेंट जवानों द्वारा किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के जरिए मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा, जैसे कि आपका फिजिकल हो जाता है मेडिकल के दौरान, जो आप सभी की जांच करते हैं डॉक्टर्स के साथ होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट के जवान होते हैं डॉक्टर्स के साथ, जो कि आप सभी का नर्स चेकिंग मींस जो भी है पूरा बॉडी नेकेड टेस्ट, सब कुछ टेस्ट आपका नर्सिंग असिस्टेंट के जवानों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि वर्क के रिलेटेड सारा डाउट्स आप सभी का क्लियर हो। सेकंड हम बात करते हैं एज के बारे में। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एज कितनी लगती है? 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच में आप सभी की एज होनी चाहिए नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए। हाइट आप सभी की 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि हाइट का वीडियो हमने अपलोड करके रखा है। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग हाइट मांगी जाती है, तो आप एक बार चेक कर लेना। 169 सेंटीमीटर मिनिमम होती है। उसके बाद हम बात करें वेट कितना लगता है। 50 kg वेट सभी का होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद हम बात करें तो चेस्ट कितना चाहिए हमें, तो 77 सेंटीमीटर आप सभी का चेस्ट होना चाहिए और एक्सपांड करके 82 सेंटीमीटर आप सभी का होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सिर्फ इसमें साइंस स्ट्रीम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यदि आपने साइंस फील्ड से 12th पास की है तो 50% ओवरऑल होने चाहिए, क्योंकि परसेंटेज आपके 50% होने चाहिए। और सब्जेक्ट वाइज यदि हम बात करें तो 40% हर एक सब्जेक्ट में आप सभी को मिलने चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके साथ हम बात करें कि अभी अप्लाई करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने बायोलॉजी ले रखी है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। बायोलॉजी ली नहीं है तो आपने इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स आप सभी का कंपलसरी होना चाहिए। और मैथ्स है तो भी चलेगा, पर बायोलॉजी कंपलसरी होना चाहिए। यदि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मैथ छोड़ दिया, बायोलॉजी ले ली, तो आप अप्लाई कर सकते हो। पर बायोलॉजी छोड़ दी, मैथ्स ले लिया आपने 12th में, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके बाद में हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है आप सभी की, क्योंकि आपको 545 सेकेंड्स में कंप्लीट करनी पड़ती है, तो आपको मिल जाते हैं 60 मार्क्स। इसमें एक्सीलेंट, गुड के मार्क्स नहीं होते, ग्रुप वन और ग्रुप टू के मार्क्स नहीं होते। ओवरऑल सिर्फ आप क्वालिफाइड कर दोगे तो सभी को 60 मार्क्स दे दिए जाते हैं। चाहे आप फर्स्ट पोजीशन पे आओ या सिक्स्थ पे आओ या सेवन्थ पे आओ, आपको 60 मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद होता है पुलअप्स, होगी आप सभी को 40 मार्क्स के लिए आपका पुलअप्स होगा, जिग-जैग बैलेंसिंग, 9 फीट डेज, और जो कि सिलेक्शन प्रोसेस सेम होता है जीडी टेक्निकल सभी का।
और इनके बाद होता है आप सभी का मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम के वीडियो हमने अपलोड करके रखे हैं किस प्रकार मेडिकल जांच होती है आप सभी की, तो आप उसे वॉच आउट कर सकते हो। तो उसके बाद होता है आप सभी का रिटन एग्जाम। दोस्तों रिटन एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, आपका पूरा जो मीन्स जो टैलेंट है आपको कॉम्पिटिशन सिर्फ रिटन एग्जाम्स पे देना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे बंदे फिजिकल तो क्लियर कर ही देते हैं, मार्क्स सभी के सेम होते हैं, पर बात आती है रिटन एग्जाम्स की। रिटन एग्जाम यदि आप अच्छे स्कोर कर लेते हो तो आप आ जाते हो उसमें मेरिट लिस्ट में, यदि आपने कम मार्क्स स्कोर कर लिए तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों उसके बाद होता है आप सभी का फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट आप सभी की बेस्ड होती है रिटन एग्जाम और फिजिकल के मार्क्स पे। दोस्तों उसके बाद आप सभी के दिमाग में सवाल आता है कि प्रमोशन किस प्रकार होता है इन सभी का। दोस्तों प्रमोशन 13 साल में आप सिपाही से आप भर्ती होते हो, नायक बन जाते हो 13 साल में, और 17 साल में आप बन जाते हो हवलदार। और सैलरी की बात करें 33,000 से लेकर 60,000 के बीच में सैलरी आप सभी की होती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।